नमस्कार। सो मैं दो दिन लेट हुआ एक्चुअली, जब से राउंड तीन स्टार्ट हुआ तो फिर से दो तीन पेड फ़ोन आए और सेम ही सवाल थे मेरे क्लाइंट्स के, सवाल होते हैं। तो मैंने कहा क्विक वीडियो बना के आपको समझा दूँ, क्योंकि खासकर जब यूपी की चॉइस फिलिंग शुरू हुई और सबसे ज़्यादा उम्मीदें हमें तीर्थंकर महावीर से हैं, तो लोग कह रहे हैं सर जब जो खासकर नॉन जैन जब चॉइस फिलिंग कर रहा है तो उसको तो खाली तीर्थंकर महावीर नॉर्मल सीट नज़र आ रही है, जो खाली चार है। तो वो जो सबसे बड़ी हमें उम्मीद थी जिसे कहते हैं 58 सीटों की जैन मिनोरिटी वाली, कहते सर वो तो आई नहीं रही, तो फिर 62 सीटें कैसे बची, तो खाली चार ही बची और हम तो इसी के भरोसे हैं और हमने दूसरे फॉर्म नहीं भरे या हम क्या करें। तो फ़ोन तो कल ही आ रहे थे जैसा मैंने कहा, और फिर कि सर हम SGT भर दें हरियाणा में, क्योंकि सिर्फ चार सीटें आप तो कह रहे थे 62 हैं, ठीक है 62 ही हैं। अब आप ये समझिए, तो इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि ये जो कन्वर्जन है ना, ये कैसे होती है और लॉजिक क्या चलता है, ठीक है? तो आप सबको वो समझने में आसानी होगी ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए राउंड वन राउंड टू ख़त्म हो गए, राउंड तीन में जितनी भी अक्सर ये कैटेगरीज होती हैं, तो डीम्ड में वो NRI थी, सरकारी में सबसे ज़्यादा चलती हैं PWD फिज़िकल हैंडीकैप, और प्राइवेट कॉलेजेस में NRI चलती हैं या कैटेगरी भी चलती हैं, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो हरियाणा स्टेट हो एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, या उत्तराखंड का स्टेट कोटा हो, जितनी भी ऐसे होंगी ये सब कन्वर्ट होके नॉर्मल सीटें बनती हैं, लेकिन पहला हक कैटेगरी को देने के बाद। अब इस लाइन का मतलब समझिए, तो देखिए मैंने समझाया 2 साल पहले तक, 21 तक ये राउंड तीन के बाद होती थी, तो राउंड तीन तक नॉर्मल सीट रहती थी कैटेगरी वाली NRA वाली, और राउंड तीन के बाद राउंड चार में ये सीटें बनती थी नॉर्मल। अब ये बनती है राउंड तीन के दौरान, तो लोगों को लगा कि राउंड तीन के दौरान का मतलब ये है कि भाई राउंड तीन स्टार्ट होने से पहले। जी नहीं, राउंड तीन के दौरान का क्या मतलब है वो इंटरेस्टिंग है। तो देखिए तीर्थंकर महावीर का एग्जांपल लेते हैं, आपको तो चार सीटें नज़र आएंगी, अगर आप एक जैन माइनॉरिटी की तरह भरते यूपी का फॉर्म तो आपको दोनों ऑप्शन नज़र आती, नॉर्मल चार भी और 58 वाली जैन माइनॉरिटी भी। इसी तरह जब मुस्लिम भरते यूपी का फॉर्म तो उनको मुस्लिम माइनॉरिटी के चारों कॉलेज नज़र आते हैं जो आपको नज़र नहीं आते, तो आपको तो चार ही नज़र आएंगी। जैन वाले को अगर कोई जैन आएगा तो उसको 58 भी नज़र आएंगी। लेकिन अब काउंसलिंग के दौरान जिसको बोलते हैं ना सीट अलॉटमेंट जब प्रोसेस होती है, तब ये तो कंप्यूटर को वो एक दिन का टाइम लगता है ना प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, जो बार बार एक शब्द लिखा होता है हर काउंसलिंग शेड्यूल में, वो इसलिए कि जब प्रोसेसिंग की जाएगी सीट्स की, तो देखिए लेट्स से आप हो, आप एक आपके नंबर ज़्यादा हैं लेकिन आपने मांगा हुआ था फर्स्ट चॉइस पे तीर्थंकर महावीर, उसमें खाली 4 सीटें हैं और आपसे ऊपर 4 सीटें दे दी गई हैं, तो शायद आपको आपकी चॉइस 2 मिलेगी जो कोई और कॉलेज होगा, बट जैन तो इनफ है ही नहीं। तो हमेशा ये प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट में एक तरह से वही फार्मूला लगता है जब कैटेगरी कन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि ऑफलाइन में लगता है। अगर आप इस समय देखिए जहाँ जहाँ पर ऑफलाइन इस समय हो रहा है, जहाँ जहाँ पर, वो कैसे हो रहा है, वो ऑफलाइन ऐसे हो रहा है कि पहले हमेशा कैटेगरी वाले बुलाए जाते हैं कि भाई तुम अभी भी कुछ हो जिसे सीट लेनी है तो ले लो, नहीं तो हम इसको नॉर्मल सीट बना देंगे। तो ऐसे ही ऑनलाइन में होता है, पहले जितने अगर तीर्थंकर महावीर जैन वाली सीट्स हैं तो एक तरह से जैन के बच्चों को कंप्यूटर चेक करेगा कि कितने बच्चे हैं जो जैन माइनॉरिटी के थे और इस सीट को लेना चाहते हैं। तो दैट मीन्स जो माइनॉरिटी सीट्स होती हैं, ये जो कैटेगरी सीट्स होती हैं, पहले एलोकेट कर दी जाती हैं और फिर उतने बच्चे आए ही नहीं। जैसा मैंने कहा ना कि जैन 58 सीटें हैं लेकिन टोटल 4 जैन ने अप्लाई करा, तो ऑफकोर्स उनका भी चॉइस वन होनी चाहिए, क्या पता किसी जैन ने भरा तीर्थंकर महावीर बट उसके नंबर 550 और उसने ऊपर शारदा भरा था या रोहिलाखंड भरा था, तो उसको वो मिलेगा, जबरदस्ती तीर्थंकर महावीर थोड़ी ना मिलेगा जस्ट बिकॉज वो जैन है। तो 4 ही जैन ने अप्लाई करा, उसमें 2 जैन को तो बल्कि तीर्थंकर महावीर के अलावा कुछ और मिल गया, तो 2 सीटों को मिल जाएगा तीर्थंकर, जैनों को मिलेगा तीर्थंकर महावीर, और बाकी सीटें राउंड 3 के दौरान ही कन्वर्ट हो जाएंगी नॉर्मल सीट में। तो जो हम आप जो नॉन जैन हैं, हमने जब तीर्थंकर महावीर अपनी चॉइसेस में डाला हुआ है तो हम उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरह PWD सीट के साथ होता है फॉर मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो इस दौरान वर्ड का मतलब समझिए, तो आपको भी नज़र नहीं आ रहा होगा। और इस राउंड में भी अगर कोई जैन कहीं से आसमान से प्रकट हो गए और 60 जैनों ने भर दिया फॉर्म और 60 के 60 ने TMU अप्लाई कर दिया, तो चाहे उनके 140 नंबर भी हैं उनको पहले सीट मिलेगी बजाय किसी 500 नंबर वाले के। तो पहले जैन ख़त्म किए जाएंगे, तो जहाँ पर भी कैटेगरी रिजर्वेशन होती हैं वहाँ पर अलॉटमेंट ऐसे की जाती है कि
कि एक तरह से हमने कहा ना कि पहले कैटेगरी वालों को देखा जाता है कि क्या ऑफकोर्स साइमल्टेनियसली चल रहा होता है, दैट्स व्हाई इट्स अ लॉजिक, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम चल रहा होता है, तभी कभी कभी इनको समय लगता है प्रोसेसिंग करने में एक एक दिन का, बिकॉज कंप्यूटर को काफ़ी बार आइट्रेशन करनी पड़ती है। जैसे ऑल इंडिया रैंक 3 है, कोई SC है तो हम जानते हैं कि उसको सीट मिलती है, लेकिन SC की नहीं मिलती, अनरिजर्व की मिलती है, क्योंकि वो ऊपर से चेक कर रहे हैं। सिमिलरली UP में ऊपर से स्टार्ट किए, उन्होंने देखा पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा, लेकिन फिर एक जैन माइनॉरिटी आ गया तो उसको जैन की सीट देनी है, अगर उसे जैन की मांगी हुई है, क्योंकि उसके पास डिफरेंट चॉइस है, उसके पास एक तरह से वो रिजर्वेशन है, राइट? तो फिर द वे रिजर्व्ड कैटेगरी सीट्स आर ऑलवेज गिवन, उस तरीके से अलोकेशन की जाती है। तो सीट आप उसी राउंड में ही मिलेगी, आप ये मान के चलिए कि 58 और 4 62 सीटें हैं, लेकिन वो 58 डेफिनेटली पहले जैनियों की हैं और उनको दी जाएगी। और इसलिए आप ध्यान से देखेंगे जो भी ऑफलाइन राउंड होते हैं, चाहे इस समय दिल्ली में IPU का चल रहा है या राजस्थान में चल रहा है, इस समय 2 ही मेजर हैं पूरी इंडिया में शायद जहाँ ऑफलाइन राउंड चल रहे हैं, बाकी हर जगह ऑनलाइन कन्वर्ट हो गया, इवन कर्नाटका का मॉपअप भी ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया है। तो ऑफलाइन में इसलिए हमेशा पहले कैटेगरीज को बुलाया जाता है, मतलब जनरल या अनरिजर्व्ड को हमेशा ना लास्ट में बुलाया जाता है, क्योंकि कैटेगरी वालों को बुला के कहा जाता है कि भाई आप अभी भी हो तो ले लो, अपनी सीट ले लो, नहीं तो फिर वो कैटेगरी सीट को अनरिजर्व्ड में चेंज करके फिर वो अनरिजर्व्ड के बच्चों को दे दी जाएगी। सिमिलरली कास्ट कैटेगरी रिजर्वेशंस में तो ये भी होता है कि भाई जैसे ST PWD पहले ST बन गया, अब ST ही अवेलेबल है तो ST पहले SC बनेंगे, फिर वो OBC बनेंगे और फिर वो जाके अनरिजर्व्ड बनेंगे, तो ऑर्डर भी ऐसे चलता है। तो उसी ऑर्डर से ही ऑनलाइन सिस्टम चल रहा होता है और इसलिए इनको कभी कभार 1-2 दिन का समय लगता है, वरना आप हमेशा नहीं सोचते कि यार आज चॉइस फिलिंग खत्म हुई सो 2 घंटे में रिजल्ट क्यों नहीं दे देते, कंप्यूटर के अंदर तो सब कुछ पड़ा हुआ है। दिस टेक्स लॉट ऑफ आइट्रेशंस, ठीक है ना, वो अंदर सिस्टम को काफ़ी बार आइट्रेशन करनी पड़ती है और तब वो सीट आपको देता है। मोटा मोटी लॉजिक वही चल रहा है जो ऑफलाइन में चल रहा है कि पहले कैटेगरी वालों को बुला के पूछा जा रहा है कि भाई आपको कोई सीट चाहिए कि नहीं चाहिए और उनके हिसाब से फिर बाकी लोगों को सीट अलोकेट की जाएगी। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको आपके उसको शांत करेगा। मैंने बोला कि मैं सबको, मैं मुझे कल ही तक बताना चाहिए था, पता चले कि लोगों ने SGT का भर दिया, आ जाएगा अलॉटमेंट तो उनके लाख रुपये ख़राब हो जाएंगे, उन्हें तीर्थंकर महावीर चाहिए, कल कुछ ऐसा हो गया कि बस मैं बिल्कुल फंस गया, वरना मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं कल सुबह आपको ये वीडियो बना के दे रहा था। और शायद आपने देखा ही होगा हमारे वो UK का एक बच्चा आ गया था जो जा रहा है और वो आ गया 1-2 घंटे बैठा रहा, तो मुझे ये वाला वीडियो बनाने का समय नहीं मिला, आई एम रियली सॉरी, बट आई होप लोगों के पैसे ख़राब नहीं होंगे जिन्होंने फिलहाल डबल चक्कर में भर दिया। और फिर भी हमने अपने क्लाइंट्स को बोला ही है कि UP की चॉइस फिलिंग कल तक है, हरियाणा का रिजल्ट आ जाएगा, खासकर जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं और जो उसी में हैं कि भाई SGT आदेश मिल जाएगा तुम ये भी ले सकते हैं या हम UP का भरें, तो वो सब होल्ड कीजिए। अगर आपको आज ही सीट मिल जाती है तो कल चॉइस फिलिंग मत कीजिए, तो कम से कम आपके UP के सारे पैसे डिपॉजिट बच जाएगा। ओके, तो इस तरह की स्मॉल स्मॉल टिप्स होती हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को लगातार देते रहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ स्टार्टिंग से, जब तो काउंसलिंग अब तो आखिरी के 15 दिन बचे हैं, कि क्यों हम कोशिश करते हैं डिपॉजिट बचाने की, सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो इन्हीं छोटे छोटे, क्योंकि वो डेट्स ऐसे पड़ गई कि 14 को आज रिजल्ट आ रहा है, कल तक UP की लास्ट डेट है, क्योंकि ये बहुत कॉमन हो रहा है, मतलब इस स्कोर पे सेम बजट है 80 से लेकर 1 लाख तक का, हरियाणा में इतना, UP में है मोस्टली 70 का, तो लोगों को ये पास के स्टेट तो उनमें से कोई एक मिल जाए तो हम ये कर पाए। डेफिनेटली हिमाचल या उत्तराखंड में पहले करना पड़ा है, और कई हमारे राजस्थान के हैं जो 18 तारीख को जाएंगे और वो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स का, हरियाणा का, UP का, उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि हमने जाना है कि नहीं जाना है। और ये सब हम रेगुलर गाइडेंस करते हैं अपने पेड क्लाइंट्स को जो हमारे फुल टाइम क्लाइंट्स होते हैं, देखिए वीडियोस में या व्हाट्सएप में सब नहीं बताया जाता, तो इस तरह की बारीक स्ट्रेटजीज उन्हीं को बताई जाती हैं जो हमारे प्रीमियम फुल टाइम क्लाइंट्स होते हैं, ताकि उनके डिपॉजिट्स ख़राब ना हो। और फिर से बेसिक पर्पज़ तो वही रहता है कि ऑप्टिमल सीट मिले, डिपॉजिट बचाना भी एक लक्ष्य होता है। तो अभी भी अगर आपको सीट नहीं मिली है और आप MBBS इंडिया में लेना चाहते हैं तो 9643362320 पे कॉल कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ हमारी कोई फर्स्ट कॉल भी चार्जेबल होती है, 2500 रुपये फॉर फ़ोन कॉल, 5000 रुपये फॉर फेस टू फेस मीटिंग। और अब अगर आपको सीट नहीं है और आप सीट लेना चाहते हैं, एक कॉल करना चाहते हैं, आपको डाउट्स है पूछ लीजिए, पूरा पैकेज हमारा 40000 रुपये का है, उसमें हम आपकी एंड टू एंड कोर्सिंग में मदद करेंगे। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार। आई होप ये कैटेगरी कन्वर्जन का लॉजिक आपको क्लियर हो गया हर लिहाज से, चाहे वो NRI की सीट, और अब जैसे MCC में NRI की सीट नॉर्मल सीट बन चुकी हैं, तो स्ट्रे में जो भी सीटें आएंगी दे ऑल वुड बी नॉर्मल सीट्स, नो NRI। तो राउंड 3 में NRI ऑलरेडी कन्वर्ट होके
नॉर्मल सीट बन चुकी है। तो अब कोई अब सोचे मैं एनआरए का पेपर ले आऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो राउंड तीन में अब सारी कन्वर्जेंस हो चुकी है, इस बात का भी ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।